तो इनका इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है हमारे बीच में कौन है। बट लेट मी टेल यू, इनके इनक्रेडिबल डांस मूव्स और इनकी इनक्रेडिबल एक्टिंग के साथ साथ अभी बहुत ही इनक्रेडिबल अच्छी सिंगिंग भी जुड़ गई है इनके साथ। He is an overload of talent and we are not at all complaining about it. So ladies and gentlemen, please put your hands together and help me in welcoming Tiger Shroff. थोड़ी सी और ज़्यादा आवाज़ और तालियां बिल्कुल बनती है। Welcome Tiger, how are you? All right. तो Tiger आप हमारे बीच में आए हैं, लेकिन श्री गणेश के लिए जिसके लिए हम यहाँ आए पहले हम वो करते हैं, बाकी की चीजें हम बाद में करेंगे। So would we like to start with it? I think खासकर क्योंकि एक डांसिंग फिल्म है, इसकी श्री गणेश इसकी शुरुआत 1, 2, 3, 4 से होनी चाहिए। So without further ado, I'd like to count down and unveil the film. Ready? Yes. 1, 2, 3 and 4. Woo! Come on everyone, a huge round of applause for it. क्या बात है? क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार। Well, एक बार फिर से बोलते हैं, सिंस अभी अनवीलिंग हो चुकी है, we all believe in शंकर भगवान। हर हर महादेव। क्या बात है। And let me introduce you all to the banner. हमारा जो बैनर है, this film is brought to you by One Entertainment Film Productions in association with Prachi Movies and V2S Productions. So चलिए आगे बढ़ते हैं। And now I would like to invite on stage, ये जो फिल्म है ये पूरी टीम के बिना अधूरी होती है, तो सबसे पहले मैं स्टेज को बुलाना चाहूँगी इस फिल्म के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अपनी सारी धनराशि इस फिल्म में लगाई है। मैं इनवाइट करना चाहूँगी जाने माने प्रोड्यूसर हमारे बीच में कमल किशोर मिश्रा जी को, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाए प्लीज़। कमल जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। साथ में नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट विधि आचार्य from V2S Productions, जो हमारी associate producers हैं, and then I would also like to invite Prachi, हमारे और एक associate producer from Prachi Movies. Please put your hands together for all the team here. All right, अभी मैं invite करना चाहूँगी हमारे action director अब्बास अली मुगल। प्लीज जोरदार तालियां। ये जो टीम है इनके बिना ये फिल्म अधूरी होती है, तो इनके लिए तालियों में कमी ना रखें। देन आई वुड लाइक टू इनवाइट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कुश छाबरिया। ऑलराइट, देन वी हैव आवर लिरिसिस्ट प्रणव वत्सा। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर प्रणव प्लीज। ऑलराइट, वी हैव आवर एडिटर मनोज मगर। क्या बात है मनोज जी, प्लीज वेलकम। प्लीज तालियों में कमी ना रखें, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है जिनके बिना ये फिल्म अधूरी होती है। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो इनवाइट, अभी आपने जो ये इनक्रेडिबल म्यूजिक सुना, जो आपने परफॉर्मेंस यहाँ देखी इस फिल्म का, म्यूजिक जिन्होंने दिया है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ड्रम शिवमनी, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। Then I would like to invite our costume designer Jimmy. Runa ji, please आप भी साथ में आ जाइए बिल्कुल। Jimmy, do we have our costume designer? Okay. आगे बढ़ते हुए इस फिल्म में इनफैक्ट एक बहुत अच्छा किरदार निभाया है, तो मैं बुलाना चाहूँगी साहिल खान को। And lastly, but not the least. Lastly but not the least, इस शिप के जो एंटायर टीम है, इस शिप के जो कैप्टन हैं, जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया है, साथ में हमारे जो डायरेक्टर हैं मनोज शर्मा जी, आपको मैं इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ एवरीवन अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द एंटायर टीम दैट इज प्रेजेंट हियर। मनोज जी। थैंक यू प्रियंका। सबसे पहले मैं टाइगर श्रॉफ मेरे भाई आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि डांसिंग फिल्म की टाइगर श्रॉफ जो डांसिंग लेजेंड है हम सबके, उनके हाथ से एक पोस्टर हमारा लॉन्च हुआ और सारा इंट्रोडक्शन सारी टीम का हो गया। और ब्रदर मैं चाहूँगा कि जो हमारे देहाती टीम है, जो मेन है, आप उनको इनवाइट करें इस फिल्म के। बिल्कुल, कहाँ पर है पूरी टीम? यहाँ पर है। तो मैं इस वक्त आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा ऑन स्टेज, द होल टीम ऑफ देहाती डिस्को। देहाती डिस्को, द मेन कैरेक्टर, द हीरो एंड द रीजन व्हाई आई एम हियर, गणेश आचार्य मास्टर, प्लीज कम ऑन स्टेज। And our little hero Saksham, please come on stage. Super dancer Saksham. Yo, nice jump. हाँ, सबसे पहले मैं मास्टर जी से चाहूँगा दो शब्द। मास्टर जी, आपसे शुरुआत। अच्छा, टाइगर, थैंक यू वेरी मच। टाइगर हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है, हर चीज़। जब से हम लोगों ने पहला गाना किया विसिल बजा, उसके बाद मैंने टाइगर को बोला कि मेरी ये फिल्म में आना है, मुझे एक एकेडमी खोलने। तो टाइगर हमेशा बहुत प्यार करता है मुझे, और आज यहाँ आया है। और इस फिल्म के बारे में क्या बताऊँ, मनोज मेरे पास आया था कि एक फिल्म करनी है, इसी डांसिंग फिल्म करनी है। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक टाइटल है देहाती डिस्को, तू उसको लेके क्या कर सकता है। फिर मनोज ने बहुत इस पर काम किया। फिर मैंने मनोज शिवामणि से बात की, फिर शिवामणि से बात की, फिर शिवामणि ने म्यूजिक किया। फिर मनोज ने कहा कि कमल हमारे ने एक फिल्म की खली बली, उसके प्रोड्यूसर है, उनके साथ करेंगे। तो ऐसे करते आहिस्ता 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 टीम बनी। फिर मैंने अब्बास भाई को बुलाया जो एकदम पीछे खड़े हैं, पता है इनके। फिर इस फिल्म के DOP कुश, फिर मनोज मगर, फिर प्रणव वत्स, और ये पूरी हम लोग छोटी सी कोशिश कर रहे हैं फिल्म बनाने की, डांसिंग फिल्म। फर्स्ट टाइम ऐसी फिल्म होगी जो हमारी हिंदुस्तान की कला की बात करेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। शिवा। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड आई एम वेरी नमस्कार। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ इन द फिल्म एज अ म्यूजिक कंपोजर, एंड थैंक यू गणेश जी एंड एंटायर टीम। टाइगर जी, थैंक यू, एंड आई हैव टू थैंक माय वाइफ रूना, and all the best and luck. Kamal, आप कुछ कहेंगे दो शब्द? सर आप दो बोलो बोलो। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है आज क्योंकि मास्टर जी हमारे साथ। मैं चाहता हूँ मास्टर जी जो हमेशा पीछे पीछे रहते हैं वो आके कुछ दो शब्द कहे। गणेश मास्टर जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो जब भी वो बुलाते हैं मैं उनके लिए हाजिर हूँ। और इस पिक्चर में भी आप देखेंगे तो ये पिक्चर का बैकग्राउंड है, मतलब डांसिंग है पूरा, और इसकी कहानी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी इसमें जो 2-3 एक्शन हैं वो बहुत ही पावरफुल है, इमोशनली बहुत ही, मतलब इसे बहुत अच्छी तरह करना है, जो इसका इमोशन जो कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हमेशा हम देखते हैं कि एक्शन पिक्चर से अलग लगता है, लेकिन इस पिक्चर का जो एक्शन है वो कहानी के साथ चलेगा। और जो इसके डांसिंग, मतलब जो डांस मोमेंट्स हैं, जो गाने हैं, वो भी पिक्चर के साथ बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह इस पिक्चर में काम करने का मज़ा आएगा। और एक पूरी टीम जो है वो पूरे जोश के साथ इस पिक्चर को करने के लिए जा रही है। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, और हम लोगों की मेहनत इस पिक्चर को इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रणव वत्स ने गाने लिखे हैं इस फिल्म के सब। प्रणव सर, लकी मैन सर, लकी मैन हमारे साथ थे, विद ओनली लकी मैन सर। ओके, टाइगर लग दो शब्द आप बोलना चाहते हैं रुना जी? नमस्कार, आदाब, सलाम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि नारी शक्ति जो होती है वो हमेशा एक कामयाब इंसान के पीछे होती है, और उसी तरीके से एक कामयाब औरत के पीछे एक बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिबल आदमी होता है। मैं इसके बारे में इसलिए कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से विधि जो है हमारे गणेश भाई के पीछे एक शक्ति की तरह है, मैं भी बैकड्रॉप में हूँ इनके पीछे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस लॉकडाउन में उस रब की इतनी मेहर है कि इन दो गणेश और शिवमणि जी की जो जोड़ी है, गणेश और शिवा जब दोनों मिल गए, तो आप सोच सकते हैं फिर कमाल ही होना है फिर, क्या बात। और इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैं ये क्यों कह रही हूँ कितनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी जब आप म्यूज़िक सुनेंगे कि आज के दौर में जो चीज़ बहुत ही हमें कम मिलती है वो है इनोसेंस और ऑनेस्टी। वो इनोसेंस और ऑनेस्टी इस फिल्म में है और उसके लिए मैं एक ही शेर कहना चाहती हूँ। किस तरीके से इस पूरी फिल्म में म्यूज़िक में मैंने इन दोनों की जो केमिस्ट्री देखी है और ऊपर वाले ने कैसा साथ दिया कि हमें लगा कि बस ईश्वर ही हमारे साथ है, कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ भी दिखाई ना दे, खुदा ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने और दिखाई ना दे। ऑल द बेस्ट देहाती डिस्को। थैंक यू। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के बारे में इतना ही कहूँगा कि मास्टर जी का साथ बहुत सालों से पहले भी था, लेकिन आज ऊपर वाले ने साथ दिया और हमने लॉकडाउन में उस लॉकडाउन को भी इतने दिल से यूज़ किया और इतने डिस्टेंस में हमने उस दौरान म्यूज़िक, राइटिंग और थैंक्स तो कमल भाई सबसे पहले कि आपने हमको मौका दिया ये सब करने को। और 4-5 महीने जो मास्टर जी का मैंने जो जुनून देखा है ना इस फिल्म में, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं डांस ना सीख जाऊँ सेट पे, एक्शन ना बोल के 1 2 3 4 ना बोल दूँ, कट 5 6 7 8 ना हो जाए। कोई इतने इन्वॉल्व रहे हम लोग 4-5 महीने और टीम इतनी खूबसूरत बन गई है, इतने मजे हुए टीम है मेरे साथ, तो 100% आने वाला है। तो मैं थैंक यू बोलूँगा मास्टर जी आपको, कमल जी आपको, ब्रदर आपको, कि जिस फिल्म की ओपनिंग म्यूज़िक से और देहाती डिस्को का पोस्टर टाइगर श्रॉफ के हाथ से हो रहा है, तो ओपनिंग तो शुरू लग गई है हमारी। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि टाइगर 2 शब्द कुछ कहे। मास्टर जब भी थैंक यू बोलते मुझे ऐसा लगता है गाली दे रहे मुझे, बिकॉज यू नो द वे ही इज़ हेल्प मी। मेरी पहली पिक्चर से ही इज़ वर्कड विद मी इन माई फर्स्ट सॉन्ग विसल बजा, जैसे उन्होंने कहा। और मुझे याद है मेरा मेरी इतनी फटी पड़ी थी सेट पे, मास्टर जी बोल रहे थे अरे टाइगर इजी बिंदास, पर आई स्टिल वाज स्ट्रगलिंग सो मच। वो लिटरली एक शॉट मेरा हाथ पकड़ के मेरे से कराते थे। सो यू नो आई ऑलवेज भी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनके लिए और आज तक इतना मदद करते मुझे खासकर डांस को लेकर। सो आई थिंक ये पिक्चर तो ऑन पेपर ही मेरे हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए, बिकॉज इट्स गॉट द राइट इमोशन, इट्स गॉट मास्टर जी हु इज सिनोनिमस विद डांसिंग। वो भी देहाती डिस्को डांस विच इज़ लाइक अ मिक्स ऑफ देसी डांस जो मास्टर जी का स्पेशलिटी है। तो आई थिंक बस बेसब्री से इंतज़ार करूँगा इस फिल्म के लिए एंड पूरी टीम को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मास्टर जी आपसे एक लाइन कहने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी वो लाइन ज़रा बहुत फिल्म से रिलेटेड है, आपने बोली नहीं अभी तक, बड़ा अधूरा मुझे। नहीं, देहाती डिस्को बेसिकली बहुत मिट्टी की बात है, क्योंकि मैं बचपन से डांस करते आ रहा हूँ, मिट्टी से ही आया हूँ, मिट्टी से ही यहाँ बना हुआ हूँ। तो ये फिल्म की जो टैगलाइन है कि जाति है मेरी मिट्टी की, मिट्टी मेरी पहचान, मिट्टी के हम तुम सारे फिर काहे का अभिमान, यही है बहुत ही हम्बल तरीके से। तो ये बिल्कुल मूवी के जो टाइटल के साथ जा रहा है, बिकॉज़ हमारे हिंदुस्तान में हमारी मिट्टी है, वहीं पे हम ऐसा ही वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच श्रीमनी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने वेलकम किया। थैंक यू। आइए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच टू द होल। क्या चाहिए? डांस फोटो तो नहीं खींचा ना? अच्छा ग्रुप फोटो खींचना। तो बताओ आप, हर हर महादेव बोले। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि लॉकडाउन तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन इस दौरान हमारा पहला मुहूर्त फिल्म का बॉलीवुड में हुआ है और आप लोगों का आए उसके लिए थैंक यू। देहाती डिस्को जैसे कि टाइटल से ही लग रहा है, एक देसी फिल्म है, मिट्टी की फिल्म है और इसमें हमारे हिंदुस्तानी डांस को बताया गया है। बताया क्या गया, हम लोग करते ही, हम लोग बचपन से ही भांगड़ा और नासिक ढोल, तो उसको बड़े अच्छे लेवल पे प्रेजेंट करने की कोशिश जा रही है एक स्टोरी के साथ। फिल्म के बारे में फ़िलहाल तो मैं नहीं कह पाऊँगा अभी। सर ने जो बताया डू है, तो ये कब तक फ्लोर पर आ जाएगी एंड नेक्स्ट ईयर फ्लोर पे? तो सॉरी, फ्लोर पे तो हम लोग दशहरे पे ही हम लोग शूट का प्लान कर रहे हैं 25 अक्टूबर से, और ये नेक्स्ट ईयर आप लोगों को थिएटर्स में बंद तो थिएटर्स के लिए रही है, तो बड़े स्केल पे हम लोग, कमल जी ने पूरा मौका दिया है मेकिंग के लिए, तो कोशिश है कि बहुत बड़े स्केल पे हम लोग शूट कर रहे हैं। और मास्टर जी आप देख ही रहे हैं डांस में कितने बड़े लेजेंड हैं और उनकी डांसिंग फिल्म है, तो कमाल तो होगा। गणेश आचार्य जी भी हैं, तो कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? जो भी थोड़ी बहुत शूट हुआ है होने वाला है, तो कितना एक्साइटेड होता था सेट पर एंड माहौल, क्या माहौल तो दादा होता था गणेश आचार्य? मास्टर जी के बारे में इतना ही कहूँगा, एक तो दिल के बड़े क्लीन पर्सन हैं, काम में मास्टरी है उनकी। मास्टर जी कह रहे हैं तो मास्टर रियल में एक डांसिंग मास्टरी है उनके पास। और ये डांसिंग फिल्म थी, मैं खुद मास्टर जी के पास गया था, मैंने कहा था मास्टर जी कोई डांसिंग फिल्म करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मनोज एक टाइटल है मेरे पास देहाती डिस्को, इस पर कुछ सोच सकता है तो कुछ सोचो। तो मैंने उस पर स्टोरी वर्क किया, कमल जी से चर्चा की, मास्टर जी से चर्चा की, फिर हम लोगों ने मिलकर एक अच्छी कहानी बुना और आज देहाती डिस्को, आज हमारा पोस्टर लॉन्च मुहूर्त हुआ है टाइगर के थ्रू। तो अब कोशिश है कि दशहरे से हमारी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो रही है और उम्मीद है कि जैसे डांसिंग माहौल है वैसे ही फिल्म हमारी हंसते हंसते बनेगी। सर ने जो बताया, हमसे कुछ अच्छा नया पूछे तो मैं नया बताऊँ, बाकी तो सब वही है। और मास्टर जी के साथ एक्सपीरियंस जो रहा वो हमेशा पर डे बढ़ता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है। जैसा कि कोविड का टाइम चल रहा है, आप लोग की फिल्मों की शूटिंग भी स्टार्ट हो रही है, तो कोविड को लेकर कितने आप लोग प्रिकॉशन करने वाले हैं सेट पर एंड क्या कैसे सेफ्टी रखने वाले हैं? बिल्कुल, कोविड-19 में जो सुविधाएं या हमको जो परमिशन दी गई है शूटिंग के दौरान, वो हर चीज़ का हम एहतियात बरतेंगे। सरकार ने जितने लोगों की हमको इजाज़त दी है शूटिंग के दौरान, वो पूरा सैनिटाइज से लेके पूरा सेट, क्रू मेंबर्स, ऑल इक्विपमेंट्स के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है और हम लोग सब सेफ़ रहेंगे तो सिनेमा भी उतना ही सेफ रहेगा। नहीं, सेफ्टी हम लोग पूरा करेंगे, जो भी हम लोग के सरकार का जो भी रूल्स है वो हम लोग सारे फॉलो करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू ब्रदर। सबसे पहले तो ये मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू, और देहाती डिस्को मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब चीज़ों से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आने वाले हैं। और ये डांसिंग फिल्म है और साथ साथ बहुत वेरी इमोशनली टच्ड है स्टोरी वाइज, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और इनफैक्ट पूरा टीम देहाती का बहुत मेहनत कर रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये मूवी उभर के आएगा और सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। दोनों साथ में देता हूँ, नहीं बाकी है ना, ओए बाकी है। सक्षम आजा, बुला रहा। अरे छोटा ही है, हाइट नहीं है। किसका बच्चा है? सक्षम आजा, ये इंदौर से है, सेलिब्रिटी का बच्चा है। लैपटॉप है इधर ही। सक्षम आजा, इसके ऊपर आजा, खड़ो आगे सर, आगे ले लो। हाँ लेता हूँ, रुक जा, उतर जा, आ जा। सक्षम जी, देहाती डिस्को, ठीक है, देहाती डिस्को आप ये फिल्म में गणेश आचार्य जी के साथ आप हैं, शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप बताइए कि क्या आप कितने एक्साइटेड हैं आप एंड क्या कैरेक्टर होने वाला है, आप क्या कुछ करने वाले हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के लिए। ये मेरी पहली पिक्चर है, डांस के ऊपर ये बेस्ड है। आप भी डांस करने वाले हैं, तो आप बताइए डांस कितना फॉलो करते हैं आप? यस, डांस को कितना फॉलो करते हैं आप? डांस, मैं डांस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है डांस, बहुत अच्छा लगता है। मैंने डांस शुरू किया था, मैंने पहले टाइगर सर को देखा था तब तो मैंने डांस शुरू किया था। आज आप कुछ डांस करने वाले हैं? थोड़ा सा करके दिखाने वाले हैं? जैसे मैंने कहा बाद में दो लाइन कि जाती है मेरी मिट्टी की मिट्टी मेरी पहचान, मिट्टी के हम तुम सारे फिर काएगा अभिमान। क्या बात यही है। Sure, you can say something. Namaskar. I'm really honored to be part of this movie, and I have to thank Ganesh ji and the dance in this movie is going to be our culture. It's beautiful with the father and son, and it's an awesome movie. Enjoy the movie when it comes. Yeah, all the best. शूटिंग तो दशहरे से या उसके बाद से स्टार्ट 25 अक्टूबर से चालू हो रही, दशहरे के दिन से लखनऊ में हो रही है। 40 डेज की शूटिंग है। आज का यहाँ पे हमने देखा टाइगर जी भी प्रेजेंट है, आज का कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टाइगर हमेशा मैं जब भी कहता हूँ कि कुछ करना है, जैसे मनोज शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर कमल है, तो उन्होंने कहा मेरे पास आए कि हमको एक फ़िल्म करनी है डांसिंग फिल्म। तो मैं कुछ साल पहले करने वाला था एक जिसका टाइटल था देहाती डिस्को, तो मैं चाहता हूँ वो टाइटल ले और तो उसके ऊपर स्क्रिप्ट काम कर। तो मनोज ने वो टाइटल के ऊपर स्क्रिप्ट पे काम किया, फिर मैंने बोला कि इस फिल्म का म्यूज़िक अगर शिवामणि करे तो बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने शिवामणि को लॉकडाउन में फ़ोन किया, हम लोगों ने वीडियो कॉल पर बात करके कहानी के ऊपर काम करके फिर कैसे 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 म्यूज़िक बनाया। 5 महीने हम लोगों ने सिर्फ फ़ोन पे रह के, शिवामणि ने अकेले घर पे रह के कैसे उसका म्यूज़िक बनाया। आपने जो बिगिनिंग में शिवामणि ने बजाया वो फिल्म का थीम है हमारा उसका। तो मेहनत बहुत है, और टाइगर ने हमेशा प्यार दिखाया। टाइगर आया आज, और इतने लॉकडाउन में इतने सब होने के बाद आज ये फर्स्ट फंक्शन है 5-6 महीने के बाद जो इतना बड़ा हुआ है, तो मैं थैंक्स बोलूँगा टाइगर को। लव यू टाइगर, थैंक यू वेरी मच। क्या टाइगर का कहीं अपीयरेंस है इस फिल्म में? नहीं, ये कहानी वैसी नहीं है जैसे मैंने हेब्रो में बनाई थी 5-6 आर्टिस्ट। ये कहानी बहुत ही रूटेड है, बाप बेटी की कहानी है, बाप है उसका बेटा है छोटा, वो दोनों की कहानी है, बहुत ही धरती से जुड़ी हुई फिल्म है। इसलिए हम लोग लखनऊ में गांव में कर रहे हैं फिल्म, तो जब आएगी फिल्म तो आपको समझ में आएगा। इसकी जो टैगलाइन है इंग्लिश वाले किसको देहाती डिस्को, ईगो नहीं है, हम इस फिल्म के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी है हम उसको मानते हैं, आप इंग्लिश कहते हैं, हर चीज़ को हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कल्चर म्यूज़िक और डांस बहुत बड़ा, उस पर गर्व करते हैं। दिस इज़ द लाइफ। सर, दिस मूवी म्यूज़िक इज़ फुल्ली डांस रिदम एंड साउंड ऑफ इंडियन rhythm and different state of the rhythm sound we designed in this movie, and I have to thank all my musician friends and the recordist Utham and our singer. I'm going to introduce. He was singing Nakul. Is the first debut, so he sang very well, and totally this movie full dance, and it's a very good scope for music, and I really enjoyed doing the music for this film, and thanks. Thanks Shiva. Shiva is the god. Music के लिए शिवा ने जो किया है इस फिल्म में, हर गाना जब एक आता था मेरे पास तो मैं शिवा को बोलता था, शिवा क्या गाना किया, हर एक गाना। फिर इसके लिरिक्स लिखे प्रणव वत्स ने, प्रणव वत्स जब गाने भेजता था, फिर शिवम ने सुनता था फिल्म की वाइफ रूना से, वो डिस्कस करते थे कि ये क्या मीनिंग कैसा, ऐसे कर कर करके हम लोगों ने गाने बनाए। एंड सर जैसा कि आपने बताया कि शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है एंड कोविड का टाइम भी चल रहा है, सो क्या कुछ प्रिकॉशन आप लोग लेंगे एंड कितनी सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है अभी प्रेजेंट टाइम में। 100% सेफ्टी है। मनोज से बात हुई है, जो फिल्म कमल प्रोड्यूसर है उनसे ही बात हुई है। हर यूनिट के प्रॉपर जैसे गवर्नमेंट ने हमको कहा है वो सब चेक करते हुए हम लोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग में करेंगे और पूरा ध्यान रख के करेंगे। ये मुझे मनोज ने और कमल ने प्रॉमिस किया। अच्छा, जिस तरह से हमने म्यूजिक पर अभी सुना, कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ऐसे म्यूजिक को एंड कितनी मेहनत करनी पड़ती है? What you heard, it's a part of the movie track, and in this lockdown, very difficult. No studios. At home, I used to first record my ideas, everything put together, and then one person I just turned to Los Angeles to mix, and then here in Chennai, all in this lockdown, I have to thank for the internet, and it's really come out very well, and it's a very good responsibility for this film as a music, because dance and the rhythm is just joining, and so I did lots of. I have to thank Zakir Hussain sir, and what I learned, all the core ways and all we did together, and the songs are very good, come out very well, and please listen when we launch the song, you will know, and Ganesh ji is rocking. एंड सर कमिंग सून 21 है, सो कुछ डिसाइड कि कब तक ये आ जाएगी, 21 में कब तक आ जाएगी? 21 में वो तो मनोज और प्रोड्यूसर को पता होगा। मुझे परफॉर्म करना है, इनको एक्टिंग करनी है, मुझे कोरियोग्राफ करनी है, इनको म्यूज़िक करना, मुझे कोरियोग्राफ करना। हम हमारा काम करेंगे, जब रेडी हो जाएगी। पूरी जान लगाई है फिल्म में, देहाती डिस्को में। मुझे लगता है ये टाइटल मेरे से बहुत कनेक्ट होता है, बचपन से मुझे हमेशा देहाती कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है कि देहाती में हिंदुस्तानी पना है। इसमें ऐसे स्टेप्स कुछ है नहीं, ऐसा अभी कुछ भी देहाती है कि हम लोग ऐसा गर्दन का करेंगे। एक हमारा गाना है जो ऐसे 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 तक तक दुम दुम तक तक दुम दुम तक 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 दुम दुम तक तक दुम दुम तक तक दुम 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 तक 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 तक। थैंक यू वेरी मच।